अकाल तख्त साहब का यह हुक्मनामा आया है, अकाल तख्त साहब का यह हुक्मनामा आया है कि उत्थे मीटिंग होनी है 23 तरीक नूं जथेदारां ने की है। मैं बेनती करना कि अकाल तख्त साहब कोई फैसला लवे, ठोस फैसला। हुण जथेदार साहिबाना नूं भी मैं बेनती करना कि उन्हां नूं सारिआं नूं इहदे विच इनवॉल्व होना चाहिए, हुण अगवाई करनी चाहिए है। जथेदार साहिबान जो फैसला सुनाउणगे, जो अकाल तख्त का हुक्मनामा आएगा, कोई मन्ने ना मन्ने, पर असीं जिन्ना जथा इत्थे बैठे हां, जिन्नी संगत भी जो अकाल तख्त हुक्मनामा करेगा, इत्थे खलो जाओ उत्थे ही खलोवांगे, इत्थे खड़ जाओ इत्थे खड़ जांगे, जेलां भर दिओ जेलां भरांगे, जो कहणगे करांगे। पर अकाल तख्त दे जथेदारां नूं साडी बेनती है, अज सारी कौम उहनां दे हत्थां वल वेखदी है, उहनां दे फैसले वल वेखदी है कि साडे सिंघ साहिबान किदां दा फैसला लेंदे ने। ओह इक फैसला ले लैण, करड़े होके फैसला ले लैण। पंज सिंह साहिबान जो फैसला लैणगे, असीं सारे उहदे ते फुल चढ़ावांगे, जो मर्जी होवे। सरदार बलवंत सिंह, मैं बेनती फिर करना, ओह बड़ा भजनीक सिंह है, ओह स्वास स्वास नाम जपण वाली रूह है, ओही दृढ़ता वाला बंदा यह गल कह सकदा है कि मैनूं कोई डर नहीं मौत दा। ओह लोकां नूं कह रिहा मेरे लिए अपील ना करो, मेरे लिए रहम दी भीख ना मंगो, पर ਉਹ कह रहा है ये ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ है। ਸਾਨੂੰ इस गल का मान बड़ा है, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ है, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ है, ਉਹ ਸਿੱਖ है। ਸਾਨੂੰ इस गल का मान है बड़ा कि ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ है, ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ है। पर इस गल करके ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ